टेड दे दिया, हाँ जी ये उठा लो कॉल बाय कर लो, वहां पे लग गए 5-10 हजार रुपये। अब आएगा गुस्सा कि साला खुद तो कुछ सीखा नहीं, अपना दिमाग लगाया नहीं, किसी और के फोन आए, किसी और का टेलीग्राम देखा, उठा लिया, लग गए पैसे, क्या मिला सीखने को, समझे? खून अलग जला, बीपी अलग हाई हुआ, उस पर अलग गुस्सा है, घर पे अलग चिल्ला रहे हो। क्योंकि जब आपको पैसे लगते हैं ना बेमतलब के शेयर बाजार में, ध्यान रखना इस चीज को, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, 12 साल हो गए हैं, तो हर स्टेज से निकल चुका हूं मैं। घर में अलग लड़ाइयां करोगे, पूरे दिन डिस्टर्ब रहोगे, कहीं ना कहीं गुस्सा निकालोगे, ठीक है, मतलब पूरा दिन टेंशन में रहोगे, ठीक है, और उस टेंशन में आके अगले दिन फिर गलत डिसीजन सारे, ठीक है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता चला जाएगा जब तक अकाउंट खाली नहीं हो जाता। खाली होने के बाद, फिर खाली होने के बाद दोस्ती यारी से पैसा उठाओगे, फिर उसका भी पैसा खाली करोगे, फिर ब्याज पे उठाओगे, फिर ब्याज का भी खाली करोगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा, इनिशियल स्टार्ट किया था 10 हजार रुपए से, और बाद में देखोगे 1 साल के बाद 1 लाख रुपए आपने लॉस कर दिया, और वो 1 लाख रुपए में से 50 हजार रुपये इंटरेस्ट का पैसा था, 1.5-2% इंटरेस्ट पर उठाया हुआ, कोई कोई लोग तो 5-5% उठा लेते हैं। ये सब कंडीशंस आपके साथ भी हो सकती हैं, इस मार्केट में बहुत लोगों के साथ होती हैं, मैं पूरे दिन लोगों से बात करता हूं, और मेरे खुद के एक्सपीरियंस ऐसी हैं यार, तो ये थोड़ी हमारे नहीं है, हमने भी उठा उठा के पैसा लगाया बाजार में, अक्ल आने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि हमारे टाइम पे नेट वगैरह नहीं होते थे ना, हमारे टाइम पे कोई ऐसा नहीं होता था जो सेशन लेता हूँ डेली बैठ के, समझाने वाला, बोलने वाला, हमारे टाइम में फर्क नहीं पड़ता था किसी को, तेरी जिंदगी तू जान भाई, लॉस करना लॉस कर, प्रॉफिट करना हमें कोई मतलब नहीं है, हमने पैसा दे दिया, हमें इंटरेस्ट चाहिए। हाँ ठीक है, हाँ हमने पैसा दे दिया तेरे को इंटरेस्ट पे, तुझे जो करना है कर, हमें अपना पैसा, हमें ब्याज मिलना चाहिए, और ब्याज के बाद हमें प्रिंसिपल मिल जाना चाहिए टाइम से, ना तो किसी ने सिखाया ना समझाया, ठीक है, और मैं आपको क्या बताऊं, यूट्यूब वगैरह पे तो उस टाइम पे तो कुछ था ही नहीं, तो कोई बता, अब जाके पिछले 3-4 साल में तो बूम आया है, 2020 के बाद तो यूट्यूब वगैरह पे, तो उससे पहले तक तो कुछ था ही नहीं। मैंने अपनी ब्रोकिंग फर्म भी चलाई है, मेरे 200-200 क्लाइंट होते थे एक टाइम पे, मतलब बहुत बड़े लेवल पे, लेकिन क्या हुआ, जब से सेबी ने लिमिट्स वगैरह खत्म कर दी, तब से वो वाला काम ही बंद हो गया, ब्रोकिंग वाला, ठीक है, लिमिट्स ही नहीं मिलती तो कौन क्या ही करेगा क्लाइंट आगे, ठीक है, उसके बाद जीरोधा आ गया, 20 रुपये पर ऑर्डर वाला ये सिस्टम आ गया, ये वो, तो वो चीज़ खत्म ही हो गई। 2020 के बाद से तो प्रॉपर ट्रेडिंग में ही आ गए हम, 2020 के बाद से प्रॉपर ट्रेडिंग में आ गए कि यार ये ब्रोकिंग ब्रोकिंग से कुछ नहीं हो रहा, आप सीधा ट्रेडिंग करो। 2020 से पहले भी करते थे लेकिन पार्ट टाइम करते थे, तो प्रॉपर ही ट्रेडिंग में आ गए 3 साल से, और 2020 के बाद से मार्केट ने भी बहुत कुछ, मार्केट में चेंजेस आ गए हैं, जो पहले मार्केट होता था अब वैसा मार्केट है नहीं, वॉलेटिलिटी भी देख ली हमने, 2020 के क्राइसिस भी देख लिए, उसके बाद से बूम भी देख लिया, और अभी का जो सिनेरियो है, खासकर आप लोगों को तो अंदाजा होगा नहीं, जो शायद यहाँ पे काम करने वाला होगा इस 12-13 लोगों में, उसको पता होगा, जब हम काम करते थे तो विक्स जो है ना, इंडिया विक्स, वो 15 से लेके 25 की रेंज में रहता था, इतना तो रहता था, तो खूब काम ही करते थे हम, खूब काम निकलता था, अच्छा पैसा बनता था, अब 12-13 के ऊपर विक्स नहीं जाता इंडिया विक्स, यानी कि मार्केट में वॉलेटिलिटी के हिसाब से, वॉलेटिलिटी तो बहुत ज्यादा है मार्केट में, वॉलेटिलिटी तो बहुत ज्यादा, आप देखते हो कि 200 पॉइंट ऊपर खुल जाता है बाजार, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, कभी 200 ऊपर खुल जाएगा, इंट्राडे में 150 पॉइंट नीचे चला जाएगा, लेकिन जो ऑप्शन के प्राइसिंग होनी चाहिए, प्रीमियम होने चाहिए, वो नहीं मिल रहे हैं, तो इतने टफ एनवायरमेंट में काम करना पड़ रहा है आपको। पहले हम लोग एक टाइम पे 6-7% महीने का निकालते थे, अब हम 3-4% पे आ गए, यानी आधा हो गया हमारा सीधा प्रॉफिट, तो ये सब फेज भी हैं, हो सकता है इसके बाद और अच्छा फेज आए, हो सकता है 10-12% महीने का बनाए, तो जब आप एक ही चीज में लगे रहते हो ना, लगे रहते हो, लगे रहते हो, तो आपको एक्सपीरियंस होता चला जाता है, आपको आइडिया लगता है कि किस फेज में कैसा काम करना है। आप लोग क्या करते हो, आज शुरू किया, 5 हजार रुपये डाले, 0 हो गए, एक हफ्ता पॉज ले लिया, चल ठीक है कोई बात नहीं, फिर किसी दोस्त से बात करी, भाई तू मैं मिलके करते हैं पार्टनरशिप में, उससे 10 हजार रुपये डलवाए, वो भी खत्म, अब 5 हजार रुपये उसका भी देना है, 5 हजार रुपये अपना भी लॉस खड़ा हुआ है, 10 हजार रुपये हो गया, फिर इधर उधर से जुगाड़ करा हफ्ते 10 दिन 1 महीने में, फिर मार्केट तो क्योंकि बुलाएगी आपको, मार्केट तो बुलाएगी बुलाएगी, वो नहीं छोड़ेगी आपको, डिसीजन आपका है कि आपको करना क्या है, मैंने बता दिया, चार्ट बेस्ड अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने की सोच रहे हो तो मनी टिक पाओगे, चार्ट बेस्ड अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करना चाह रहे हो लंबे टाइम के लिए टिक जाओगे, ठीक है, फिर भी टिक जाओगे, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग चार्ट बेस्ड करना चाह रहे हो लंबा नहीं टिक पाओगे, ठीक है, और ऑप्शन के अंदर बाइंग खासकर, सेलिंग भी होती है, मैं यहाँ पे सिर्फ बाइंग की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजीज वगैरह बना रहे हो तो ओके है, बट अगर बाइंग करके चल रहे हो तो भाई दिक्कत में हो आप, ठीक है,
तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग अभी मेरे साथ जुड़े हो, और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि यार पहले ही दिन से सही ट्रैक पकड़ लो और इसी चीज पर फोकस करो और किसी चीज पर फोकस मत करो। मेरी बात मान के मेरे से कोर्स करना है नहीं करना वो आपका डिसीजन है, आप पे कोई फोर्स नहीं कर रहा। और हम मार्केटिंग भी नहीं करते, हम ज्यादा प्रमोशन नहीं करते हम, ठीक है। आप लोग को जो भी करना है ना, मैं आपको आज ही बताता हूँ, आपको सिर्फ ऑप्शन स्ट्रेटेजीज पे फोकस करना है। यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, वहां पे डालो ऑप्शन स्ट्रेटेजीज और उनके बारे में स्टडी करो। वहां पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं बैठा हूँ, ठीक है। आप व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम करो, जो भी ठीक लगता है आपको। ऑप्शन स्ट्रेटेजीज के बारे में जितना हो सकता है सीखो, आप ऑप्शन बाइंग से दूर हो जाओ, नमस्ते कर दो, हाथ जोड़ लो, वरना आज जितने हाथ जले हैं या नहीं जले तो कल जल जाएंगे। और अगर आज जले हुए हैं तो अभी तो 10% का बर्न है ना, वो 90% का बर्न हो जाएगा, 100% ही पहुंच जाएगा। तो बस यही आपसे कहना था, इसलिए ये सेशन मैं डेली रख रहा हूँ कि जो नए लोग आ रहे हैं उनकी बहुत सारी क्वेरी है, मैं एक एक करके व्हाट्सअप तो नहीं कर सकता, ठीक है, और ना ही यहाँ से आपको कॉल जा सकती है इतनी ज्यादा। तो इसलिए आपको समझाने के लिए डेली आधे घंटा एक घंटे का सेशन मैं रख लेता हूँ। कुछ समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप अपने लिए ही, जो भी कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, किसी के लिए नहीं कर रहे, ठीक है। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन है अभी? कुछ है नहीं है, जो भी होगा आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी ये इस तरीके की चार्ट्स जो भी मैं डिस्कस करता हूँ डेली आपको मिलते रहेंगे मंडे से लेकर फ्राइडे तक, और उसके ऊपर हम शाम को चर्चा करेंगे कि हमने क्या देख के क्यों लिया था ये ट्रेड, ठीक है। ट्रेड आपको नहीं मिलेंगे, आपको एक चार्ट मिलेगा, उस चार्ट पे आपको होमवर्क करना रहेगा, ये काम करना है डेली अपने को, ठीक है। चलो, किसी का क्वेश्चन? क्लोज करें सेशन। जी सर, सर एक क्वेश्चन था। सर आप जो स्ट्रेटजी कल का जो सर वेबिनार है 6 तारीख वाला, उसकी सर रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? उसके रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, सर यही चीज पूछना था, क्योंकि सर वो जो टाइमिंग है सर आपकी, उस समय सर मैं जॉब पे रहता हूँ ना, इसलिए। कोई बात नहीं, वो मिल जाएगी, वो मिल जाएगी, उसकी दिक्कत नहीं है। ओके सर, अच्छा, किसी का एक ओके क्वेश्चन था, थैंक यू। हाउ हाउ कैन वी ट्रेड ना, हमें स्टार्ट कैसे करना है। तो देखो, स्टार्ट करने का सिंपल तरीका है, जीरोधा पे अकाउंट खुलवा सकते हो आप, ठीक है। जीरोधा अच्छा है आज के टाइम पे, सब लोग जीरोधा में करते हैं। एंजल वन में खुलवा सकते हो आप, और इन दोनों में नहीं खुलवाना है अगर तो आप एलिस ब्लू में खुलवा सकते हो। एलिस ब्लू का लिंक मैं दे दूंगा, हम लोग एसोसिएट है उनके साथ, और पेटीएम मनी भी ठीक है, ग्रो ग्रो भी ठीक है। मैं लेकिन दो के साथ ही एसोसिएट हूँ बस, पेटीएम मनी और एलिस ब्लू के साथ। बाकी आप जहाँ मर्जी खुलवाओ, उससे हमारा कोई लिंक नहीं है, लेकिन सारे ही बढ़िया है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, सब अच्छे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्रोकर चूज कर लो, डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लो। खुलवाने के बाद में आपको ट्रेड कैसे करना है, मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हो, बट मोबाइल पे मैं ये बोलूंगा जब भी ट्रेड कर रहे हो, अगर मोबाइल से भी करो तो एक जगह बैठ के करो, चलते फिरते वाली ट्रेडिंग मत करो, इसको अपना काम समझो, मेहनत करनी हेलो पड़ेगी, एक जगह बैठ के आप ट्रेड करो, ठीक है। हाँ जी, सर, मेरा ये क्वेश्चन नहीं था, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे स्टॉक को पिक करके उसको ट्रेड कैसे करेंगे। जैसे तो आपने रैंडम कोई दिखाया अडानी पोर्ट, तो अगर मेरा कोई नया स्टॉक देखना है तो मैं कैसे पिक करूंगा और आप उसका। यहाँ पे अच्छा जाओ, देखो पिक करने के ना बहुत सारे मेथड है। आप सिंपल एनएससी इंडिया पे जाओ, एनएससी इंडिया पे जाके ना यहाँ पे लिस्ट आ रही होती है, इस लिस्ट के अंदर जो स्टॉक्स होते हैं ना, ये व्यू ऑल करोगे, व्यू ऑल यहाँ पे दिख रहा है आपको, व्यू ऑल, हाँ जी, हाँ जी, इस व्यू ऑल में चलते हुए गिरते हुए सारे स्टॉक दिखा देगा आज के, ठीक है। अच्छा अब ये जो स्टॉक्स होते हैं ना, ये हाईली ट्रेडेड होते हैं, इसमें वॉल्यूम भी ज्यादा होता है, वॉलेटिलिटी भी ठीक ठाक रहती है, वॉल्यूम भी ज्यादा होता है, ज्यादा लोग इनके अंदर एक्टिव रहते हैं, तो एक्टिव ट्रेडर के हिसाब से भी ठीक है, वॉल्यूम के हिसाब से भी ठीक है, और निफ्टी के स्टॉक है मेनली, ये सब निफ्टी 50 के ही पार्ट है। तो आपको यहाँ पे जो बायर और सेलर की डेप्थ होती है ना, वो भी अच्छी मिलेगी, अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी भी डालनी है तो आप डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने अदानी पोर्ट पकड़ा था, और सुबह पकड़ा था, सुबह से लेकर शाम तक ही यहीं पे है, अभी तक हिला नहीं है। अब आपको कोई और पकड़ना, आप एलटी पकड़ लो, टीसीएस पकड़ लो, एसबीआई पकड़ लो, ठीक है। अच्छा मेरा टारगेट तो 2 से 3% ही है दिन का, तो आपको इंट्राडे में ट्रेड मिल जाएगा, इनके अंदर कोई एक बेस्ट ट्रेड मिल जाएगा। बट एक चीज ध्यान रखना, जो भी ट्रेड पकड़ना है आपको 10:30 से 11 से पहले पहले पहला ट्रेड, और उसके बाद अगर अच्छा करना है तो 1 से 1:30 बजे के बाद, ठीक है, अच्छा बीच में नहीं करना कुछ भी, बीच में छोड़ दो, अब बीच में रेस्ट करो आप। ठीक है, ठीक है। और इसका कौन सा चार्ट देखना है, मतलब सबसे पहले मंथली का देखना है या फिर सिर्फ मंथली, डेली? वीकली, डेली, तीनों पे पहले मार्किंग कर लो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, उसके बाद ओवरली में आ जाओ आप, ठीक है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मार्क कर रखे हैं वो बेस्ट मार्किंग है, जैसे हम अभी एलटी देख लेते हैं फटाफट से, हाँ
है, ये एलटी का मंथली है। अब मंथली में आपको पता है एक ही जगह रेजिस्टेंस है वो यहाँ है, और इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, मतलब इस सपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। 3100 का सपोर्ट है और 3500 पे खड़ा है, बट चलो मैंने मार्किंग करके छोड़ दिया। ठीक है, वीकली में आ जाओ, वीकली में देख लो कहाँ पे क्या है। वीकली में मेरे को एक यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है ये वाला, और उसके बाद मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, और ठीक उसके है, उसके बाद सपोर्ट मुझे ये वाला दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, अब मैं आ जाऊंगा ठीक डेली डेली के अंदर। डेली पे देख लो आपको कहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ऊपर वाले मार्किंग होगी, नीचे वाली कर लो, ये वाली देख लो, ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये वाला सपोर्ट हो गया। क्योंकि इससे ज्यादा तो रेंज मूव करेगी नहीं ना पूरे दिन में। 3521 खड़ा, 3400, 100 पॉइंट नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा। 1 घंटे का चार्ट खोल लो, अब देख लो आपने जो मार्किंग करी है क्या वो ठीक बैठ रही है। अप्रोक्सीमेटली ठीक ही बैठ रही है, इससे ज्यादा मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। ऊपर में भी मार्किंग है, नीचे में भी मार्किंग है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने 15 मिनट के अंदर। 15 मिनट में देखो कुछ और करने की जरूरत है। हाँ, करने की जरूरत है, यहाँ पे करने की जरूरत है। ये रहा, ये है रेजिस्टेंस मेरा। ठीक है, ये बढ़िया रेजिस्टेंस है, और एक ये वाला है। ठीक है, क्लियर ठीक है। ठीक है। नीचे में सपोर्ट सपोर्ट बाकी सब ठीक है, बाकी सब ओके है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक सपोर्ट आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, ये वाला, ये वाला। क्यों? क्योंकि इस कैंडल को भी देखो और ये वाला भी देखो। ठीक है। है, अब आ जाते हैं 5 मिनट में, मॉर्निंग से देखेंगे। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग, आज 5 जनवरी है। यहाँ से आ जाओ, यहाँ से ओपन हुआ ना ये 9:15 पे ओपन हुआ है। ठीक है, मेरा सपोर्ट एरिया ये वाला है, मुझे पता है 3460 के आसपास मेरा सपोर्ट है। आपके माइंड में पहले से, क्योंकि आप चार्ट में सब कुछ ड्रॉ करके बैठे हो, तो आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया 3460। मार्केट खुला 9:15 पे, यहाँ पे खुल के नीचे आया, रेजिस्टेंस से नीचे आया। आप यहाँ पे भी एक ट्रेड ले सकते थे। देखो ये आपका रेजिस्टेंस था, यहाँ पे इसने क्या बनाया, बेयरिश एंगल्फ बनाया। ये एंगल्फ पे ट्रेड ले लो, यहाँ पे 3475 पे ट्रेड है आपका, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है 3486 का, 9-10 पॉइंट का एसएल है। यहाँ से नीचे कहाँ तक आया है, 60-61 तक आया, ट्रेड था 75, आपको 12 रुपये मिल गए यहाँ पे, 10-12 रुपये। ठीक है, सपोर्ट के आसपास आ गया था, आपको एग्जिट ले लेना। अगर नहीं ले पाए हो तो यहाँ पे ले लो, क्योंकि ये हैमर प्लस कंफर्मेशन आ गई। ठीक है। सपोर्ट सपोर्ट पे हैमर प्लस कंफर्मेशन है, यहाँ पे एग्जिट ले जाओ, तब भी आपको 5-6 पॉइंट मिल गया है। उसके बाद यहाँ से आप बाई की एंट्री बना लो, बाई की एंट्री बना लो, यहाँ पैसा डाल दो। क्योंकि देखो आज का डे लो के, आज के डे लो के पास से ही हैमर बनाया, कंफर्मेशन दी, और पिछले दिन का सपोर्ट भी है यहाँ पे, मतलब पिछले कुछ टाइम का सपोर्ट भी यहाँ पे है। तो मेरे को यहाँ से कंफर्मेशन मिली बाय की, मैंने 3471 पे एंट्री कर ली बाय की। उसके बाद आप यहाँ पे बुक कर लो, चाहे यहाँ बुक कर लो, चाहे यहाँ बुक कर लो, वो आपके ऊपर है। आप गया तो यहाँ तक है, लेकिन हम तो खैर बुक कर लेंगे ना, हम तो हो सकता है यहीं पे बुक कर जाए, यहाँ पे बुक कर जाए, तो तब भी आपको 10 पॉइंट फिर भी मिल गए। तो 10 पॉइंट यहाँ मिल गए, 4 पॉइंट वहां मिल गए, 13-14 पॉइंट मिल गए आपके, बहुत है पूरे दिन में। 100 क्वांटिटीज ज्यादा करना नहीं है, इन वालों में तो 50 ही करनी है। ये इतने बड़े शेयर है, 2000 से ऊपर के जो भी शेयर है, 50 क्वांटिटी मारो बस, ठीक है, 50 क्वांटिटी बहुत है इनिशियली, मतलब अपने आप को ट्रायल पीरियड में रखने के लिए 50 क्वांटिटी बहुत है। ठीक है, ओके। ठीक है। मतलब तो 5 मिनट में एंट्री लेनी है। ठीक हाँ, 50 क्वांटिटी में करना है आपको, और सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, है सर, ठीक है। चलो अभी रीटा जी का क्वेश्चन था कि क्या करना है, तो मैंने बताया ब्रोकर चूज कर लो आप, अकाउंट खुलवा लो अपना। अकाउंट खुलवाने के बाद में आपको यहाँ पे एक मार्केट वॉच, ये वो मार्केट वॉच दिखेगी, जहाँ पे सर्च का ऑप्शन आएगा। तो आपको जो भी स्टॉक ऐड करना है, मान लो टाटा मोटर है, टाटा मोटर ऐड कर लो, ये ऐड हो गया। अब इस टाटा मोटर में ट्रेड कैसे लेना है, तो आपको यहाँ पे जैसे कर्सर रखोगे या मोबाइल पे देखोगे तो बाय सेल का ऑप्शन दिखाएगा, तो बाय करना है तो बाय करो, इंट्राडे में करोगे तो मार्जिन कम मांगेगा, यहाँ पे दिखाता रहेगा। देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट दिखाएगा, यहाँ पे मैंने 10 क्वांटिटी डाली तो यहाँ मार्जिन दिखा रहा है 1581 रुपये। अब आप बोलोगे 790 × 10 करेंगे तो ज्यादा बनता है, तो वो इसलिए कम दिखा रहा है क्योंकि ये आपको बेनिफिट मिलता है मार्जिन का। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मार्जिन बेनिफिट एक्सचेंज की तरफ से मिलता है, तो आपको यहाँ पे कम मार्जिन में 10 क्वांटिटी आप ले सकते हो। बाय करना बाय कर लो, इंट्राडे करना इंट्राडे कर लो, लॉन्ग टर्म करना है लॉन्ग टर्म कर लो, फिर आपको पूरा देना पड़ेगा 7900 रुपये। ठीक है, और सेल करना है तो सेल भी कर सकते हो आप। ठीक है, वो सब चीजें बात की, पहले आप अकाउंट खुलवाओ और अपने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट एनालाइज करो कि उसमें क्या क्या ऑप्शन है मेरे लिए, और उस एक एक ऑप्शन को पकड़ के सर्च करो गूगल पे। नहीं समझ में आ रहा तो मेरे से पूछो, डेली डेली यहाँ पे हम आते हैं 1 घंटे, मेरे से पूछो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चले क्लोज करें सेशन, हो गया आज का, कल के सेशन में मिलते हैं।